अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एएस फिजिक्स का। तो इस चैप्टर में हम लोग जो हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, देन हम लोग कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेक्टर ट्राइंगल फॉर इक्विलिब्रियम। पाँच चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। बात अगर शुरू करें तो बेटा, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? Quantities that can be expressed in terms of magnitude are called scalar quantities. वो quantities जो magnitude की terms में हम लोग लिख सकते हैं, they are called scalar quantities. अच्छा जी, इन quantities में हम लोगों को जो है direction involved नहीं होती। कुछ examples थी हमारे पास जो हम लोग scalar quantities की discuss कर रहे होते थे। देन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज जो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखिएगा, सारी की सारी फील्ड्स, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो, दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा जी, वेक्टर क्वांटिटीज के बाद देन हमारे पास कुछ और बातें हैं जो हमने करनी है। फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यार, हम लोग वेक्टर्स के एडिशन की बात करते हैं। अच्छा यार, जब बात करी जाती है वेक्टर एडिशन की, तो याद रखिएगा हमारे पास किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें एक रूल याद करना होता है, या एक रूल यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। हम लोगों को इन दिस मेथड, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर विद रिजल्टेंट। ठीक है, अगर ए और बी की रिजल्टेंट की बात की जाए, तो हमारे पास ए और बी के रिजल्टेंट की अगर बात की जाए, एक्सक्यूज मी, हम लोग जो है हमारे पास वेक्टर ए है एंड वी हैव गॉट वेक्टर बी। हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए में बी को ऐड कर देंगे टिप टू टेल रूल से, हेड टू टेल रूल से, और जो पहले का टेल दूसरे के हेड से ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा एडिशन में। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था 2023 के सिलेबस में, ओ लेवल्स और IGCSE में सिर्फ परपेंडिकुलर है। शायद आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल लग रहा हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ टिप टू टेल रूल से करना होता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है, देखो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे होती है। हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर बी है। अगर हमें कहते हैं गिवन दैट सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस बी। ओलेबल मैथ्स या IGCSE मैथ्स में वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए माइनस बी लिखना है, यार ये मेरा वेक्टर ए आ गया, और माइनस बी का मतलब है ये जो वेक्टर बी है मेरा, मैं माइनस बी करने के लिए इसकी डायरेक्शन को बैकवर्ड्स कर दूंगा, तो ये ए माइनस बी बन जाए। तो ये हमारे पास, ये वेक्टर जो बी है, बी की अगर मैं डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं, तो ये हमारे पास माइनस बी बन जाता है। तो ए माइनस बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस माइनस बी। तो ए में अगर मैं माइनस बी को मिला दूं, तो ये हमारे पास ए माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द कार इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड ड्यू इज। कार की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स मूविंग
80 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. कुछ देर बाद ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करने लग गई, ठीक है, एट द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर्स पर सेकेंड. कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर डायग्राम टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और वी माइनस यू. फाइनली वो मूव कर रही थी 80 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट पे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं? फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 80 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी वॉज 60, तो अगर मैं इनिशियल का नेगेटिव ले रहा हूँ खुद जुन्ना बात को, ये 60 मीटर पर सेकेंड है और मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी है, बट आई नीड माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दूंगा, इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और ये जो चेंज निकालना है तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल के लिए मैं इसको इससे मिला दूंगा. फाइनल हमारे पास 80 थी, माइनस इनिशियल हमारे पास 60 थी, तो ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, और ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बोल लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल लो, एक ही बात है. ये हमारा बेटा वैल्यू, ठीक है. तो ये हमारी कहानी थी, ठीक है. आई होप ये बात भी क्लियर होती होगी मूविंग फॉरवर्ड. और क्वेश्चन देख लेते हैं यार. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? कार इज ट्रेवलिंग एट 60 meters per second ड्यू साउथ. सम टाइम लेटर द कार ट्रेवल्स एट 40 meters per second ड्यू वेस्ट. यूज द सूटेबल स्केल डायग्राम टू कंस्ट्रक्ट द वेक्टर डायग्राम, ठीक है. पहले 60 meters per second जो है साउथ पे मूव करता है, देन 40 meters per second ड्यू वेस्ट. रिजल्टेंट निकालना है हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं बेटा. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 square plus 40 square, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट की. आफ्टर दैट हमारे पास हमें बोल रहा है एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल मांग रहा है बेटा. ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 10 theta से टेन होता है हमारे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट हमारे पास 60 दिया हुआ है, एडजेसेंट 40 है, टेन इनवर्स कर दोगे हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमारे पास दो काम हमने करने हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज इसमें आ जाएंगे, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स की, ठीक है. वैक्टर को रिजॉल्व करते हैं और देखिए बच्चे, अब बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की. तो हम बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेक्टर किसी एंगल पे हो तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. वन कंपोनेंट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द सेकंड वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट. जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे होगा उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट. लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर है 60 न्यूटन का, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 degrees. मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा निकालना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मैं कॉस थीटा यूज करूंगा. cos theta will be equal to adjacent, that will be the horizontal component जो unknown है, over hypotenuse that is basically the component जो भी हमारे पास vector है 60 newton का. बेटा इस hypotenuse की जगह मैंने 60 put किया, adjacent रखा, मेरे पास horizontal component आ गया 60 cos 30, ये हमारा horizontal component. vertical component के लिए बच्चे हम लोग जो है vertical component के लिए what would we do, हम लोग sin theta use करेंगे.
ऑपोजिट इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 60 क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट की जगह मैंने वर्टिकल कॉम्पोनेंट से निकालना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 60 है, तो ये हमारे पास जो है वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अगर एग्जाम्पल नंबर टू आप लोगों के साथ ही सॉल्व करता हूँ, देखिएगा ये हमारे पास जो ब्लू वाली लाइन है दैट इज दी वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और ये जो रेड वाली लाइन है दैट इज बेसिकली दी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट निकालते हैं, ठीक है बेटा, ऑपोजिट है हॉरिजॉन्टल इस मतलब ऑपोजिट है, ठीक है, एंगल के सामने है, तो साइन थीटा से निकल जाएगा, ऑपोजिट इज दी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, हाइपोटेन्यूस इज 100, एंगल इज 50, तो हमारे पास 100 साइन 50 जो है इसका कॉम्पोनेंट आ गया। वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बात करूं तो बच्चे की एंगल एडजेसेंट है, कॉस थीटा से आएगा, कॉस एंगल इज 50, एडजेसेंट इज बेसिकली द वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो निकालना है, और हाइपोटेन्यूस इज 100, तो 100 कॉस 50 जो है वो हमारे पास इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइन वाला हॉरिजॉन्टल या कॉस वाला, बट आपने देखना है कि एंगल के सामने वाला जो होगा, एंगल के सामने वाला वो हमेशा साइन का होगा कॉम्पोनेंट, और एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस का कॉम्पोनेंट होता है। इस बात को मेक श्योर करना है कि इसमें गलती ना हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, सिमिलरली हमारे पास इसकी अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बाय रिजॉल्विंग फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा मैंने जो है रिजल्टेंट निकालना है। बेटा हमारे पास तीन डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है, तीन डिफरेंट फोर्सेज हैं, तीन डिफरेंट वैक्टर्स हैं, हर किसी का कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल वैक्टर होगा। अगर 10 वाले की बात करूँ तो इसका एंगल असल में दिया होगा 30, 40, 50, अच्छा जी, सारे हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स को मैं रेड से लिखता हूँ, देखिएगा ये वाला वेक्टर एंगल के साथ वाला है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ये एंगल के साथ है तो 10 cos 30 हो जाएगा, ये भी एंगल के साथ है बेटा, ये भी हमारे पास 5 cos 40 हो जाएगा, ये भी एंगल के साथ है बेटा, ये हमारे पास 8 cos 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गए वेक्टर्स। रेजोल्यूशन करना है, राइट माइनस लेफ्ट कर दो, ठीक है, मैं कहता हूँ यार रेड से ही कर लेते हैं, 10 cos 30 माइनस 5 cos 40 प्लस, ठीक है, राइट वालों को पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट वालों को नेगेटिव, 8 cos 15। इसको बेटा कैलकुलेटर में पुट कीजिए, प्लग इन करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट विल बी अराउंड 4.8 न्यूटन्स। इसका जो हमारे पास 4.8 न्यूटन्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जो का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। बाय रिजॉल्विंग फाइंड द वर्टिकल ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल की बात करो, पिंक से देखिएगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, पहला अपवर्ड है, ये हमारे पास हो जाएगा 10 साइन 30, ये हमारे पास डाउनवर्ड है, ये हमारे पास हो जाएगा 5 साइन 40, और ये भी अपवर्ड है, ये हमारे पास हो जाएगा 8 साइन 15। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर देते हैं, ठीक है, अपवर्ड दो हैं, एक है 10 साइन 30 और दूसरा है 8 साइन 15, और डाउनवर्ड है 5 साइन 40। बेटा इक्वल टू कर दो टू गेट द वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.9 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मैंने वेक्टर्स रिजॉल्व कर लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन। बेटा इसके बाद बोल रहा है फेंस फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस। तो भाई रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसका 4.8 न्यूटन आ रहा है, और जो हमारा वर्टिकल है उसका हमारे पास 3.9 न्यूटन आ रहा है। रिजल्टेंट निकालना है बेटा, टिप टू टेल से रिजल्टेंट दिया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, रिजल्टेंट निकाल लोगे, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, रूट कर लोगे, यू विल गेट दी वैल्यू एज 6.2 न्यूटन्स।
ये बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। हमारे पास सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं यार। अब जैसे लेट्स सपोज ये है, इसमें भी हमने यही काम करना है। अब इसमें 80 वाला एज इट इज रहेगा, फॉर ये वाला जो है 50 150 भी, 80 सिर्फ वर्टिकल में, 150 सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, तो इसको नहीं तोड़ना। ये हमारे पास टूटेंगे दो कॉम्पोनेंट्स में, ये भी दो कॉम्पोनेंट्स में टूटेगा एंड यू गेट द वैल्यूज। ठीक है, इसकी भी सॉल्यूशन मैंने की हुई है, तो रेफर करना नोट्स को, एक नज़र मार लेना, यू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यार। Two identical forces of x newtons each are shown given that the object is in equilibrium or rest, calculate x. ठीक है, आइडेंटिकल फोर्सेज हैं x newtons की, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो देखना, एक अच्छी कोई चीज़ वैल्यू मिक्स होगी, ये फोर्स 12 newtons है। अच्छा ठीक है, अब यार जरा वैल्यूज में देखेंगे तो ये हमारे पास, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, ये हो जाएगा x cos 40, क्योंकि एंगल के साथ है, ये भी x cos 40 हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये ब्लू से देख लो, ये हमारे पास x sin 40 और ये भी x sin 40, x sin 40 दोनों बराबर है, इसमें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल x की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसमें तो कोई आपने जो है वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एज फार एज एक्स 40 एक्स कॉस 40 इज कंसर्नड, तो हमारे पास लेफ्ट पे जो वेक्टर है डेट इज 12 न्यूटन्स। ठीक है, वो इक्वल होगा हमारे पास 2 टाइम्स एक्स कॉस 40 के जो राइट पे जाने वाली फोर्सेज है। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट 6 डिवाइडेड बाई कॉस 40 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेट करा के, एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 7.83 न्यूटन्स। ठीक है, डाल के चेक कर लें। ये हमारे पास जो है हमने रेजोल्यूशन कर दी। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो यार कुछ पासवर्ड्स के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक आध उसमें जो है कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, फिर उनके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल आया हुआ था हमारे पास, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग इन विंड लाइट मोड में। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है, सब लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट फिगर 1.1 टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटी इज अ वेक्टर और अ स्केलर। पावर हमारे पास जो है स्केलर होती है, टेम्परेचर स्केलर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस पार्ट में बोल रहा है कि एन एयरक्राफ्ट इज ट्रेवलिंग इन द विंड, फिगर 1.2 शोज द वेलोसिटीज ऑफ द एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर एंड फॉर द विंड। वेलोसिटी तो एयरक्राफ्ट इज स्टिल, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक, रिजल्टेंट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, क्रिप्टोरियल मेटल यूज़ कर लेंगे बेटा। ये हमारे पास, इसको उठा के मैंने इसके हेड पे रख दिया। ठीक है, ये एंगल हमारे पास जो है 180 से माइनस कर लोगे, 115 आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 28 है और ये हमारे पास 95 है। दैट्स बेसिकली ट्राइंगल। गौर से देखिएगा, ये ट्राइंगल बन रहा है। लेवल्स में कोसाइन रूल पढ़ा था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस थीटा, ए इज रिजल्टेंट, ठीक है, B is 95, 28 square minus 2 times angle is 115, put in the calculator you get the value। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, एक आध और तो देख लेते हैं सवाल। ये भी हमारे पास सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये वेक्टर दिया हुआ है, टेल मेथड से इसको ज्वाइन किया, ये हमारे पास एंगल यहाँ पे 60 दिया हुआ था, देयरफॉर जी प्रॉपर्टी ये एंगल भी 60 होगा। ऑर्डिनेट एंगल्स आपने रिजल्टेंट निकालना है, साइड 8 है तो कॉस रूल अप्लाई कर दो, कोसाइन रूल,
resultant square is equals to a square plus b square minus 2 times a b cos 60. So you would get the value. So you get the idea ki beta is tarike se hamare paas cosine rule mein ye sawalat solve ho rahe hote hain. So that's all for inshallah today's class. Hopefully see you guys next time. Thank you guys.